मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राज्य के सभी जनपदों में घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से पहले चरण के मतदान की कार्रवाई पूरी होगी। अभी तक 85 वर्ष से अधिक 9,993 मतदाताओं में से 8,680 ने मतदान कर लिया है, जबकि 2,899 दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं में से 2,595 दिव्यांग मतदाताओं ने अभी तक अपना मतदान कर लिया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुक्रम में सभी जनपदों में जो 85 ईयर से अधिक के मतदाता थे और जो दिव्यांग श्रेणी के मतदाता थे उनके घर से मतदान के लिए डाक मतपत्र प्रेषित किए गए थे, उसकी जो टीम के साथ गई थी उनके द्वारा जो प्रथम चरण का मतदान का कार्रवाई था वो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में संपन्न किया जा रहा था। उसमें जो आज 1 बजे तक की सूचना हमको प्राप्त हुई है उसके अनुसार 9,993 जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता थे जिनको घर से मतदान की सुविधा दी गई थी उसमें से 8,680 व्यक्तियों के द्वारा मतदान पूर्ण किया जा चुका है। अभी भी ये कार्रवाई जो है आज चल रही है, अभी अंतिम सूचना शाम तक प्राप्त हो सकती है। उसके अलावा जो PWD श्रेणी के मतदाता थे, दिव्यांग श्रेणी के मतदाता थे 2,899, उसमें से 2,595 व्यक्तियों के द्वारा जो है अपना मतदान का प्रयोग किया गया है। उसका जो प्रतिशत है 85 ईयर्स के जो मतदाताओं का प्रतिशत है वो 86% है और जो दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं का मतदान का प्रतिशत है वो 89% है।